गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया पर। अभी जल्दी जल्दी दौड़ के आए ऊपर, एंड अभी बाबू हैं यहाँ पे, मम्मी आ गई और बाबू भी आ गए। आप लोग देख लिए होंगे फाइनली वेलकम वाले ब्लॉग। ब्लॉग होता है कैसा इधर बाद बाबू आ गए और आते आते पहले मोर देख रहे हैं कहाँ से दिखता है। अभी पता है अभी कुछ देर से दिख नहीं रहा है मोर। और इधर इतना ज़्यादा बारिश हुआ है ना आज कि पूरा पानी भी लग गया है बहुत ज़्यादा। तो निशा अभी खाना पीना बन गया, अब लंच का टाइम हो गया, तो मम्मी जल्दी जल्दी फ्रेश हो रही है, उसके बाद सब साथ में हम लोग मिल के खाना खाएंगे। मैं यहाँ से ये जो बारिश होता है ना तो नीचे का जो रूम है ना उसका भी बालकनी गंदा हो जाता है देख सकते हो, तो पानी जम जाता है। छत से पूरा अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना। हाँ देख रहा है ये पानी टंकी वही कॉलेज वहाँ हॉस्पिटल है ना। चलिए आपको आज दिखाते हैं आज हम क्या क्या बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे तो निशा बनाई थी चावल और यहाँ पे हमने दाल फ्राई कर दिया है, बहुत अच्छे से दाल फ्राई हुआ है। और यहाँ पे आलू और गोभी की सब्जी बन गई है। निशा को बोल रहे हैं थोड़ा नज़दीक से नहीं दिखाती है, थोड़ा दूर से दिखाती है क्योंकि बात के अकॉर्डिंग दिखाना पड़ता है। थोड़ा यहाँ से दिखाओ ना, यहाँ से दिखाओ रहे हैं तो सिखा रहे हैं, इसको पीटते भी हैं पीछे से सुनती नहीं इसलिए पीछे टक टक। अभी यहाँ पे ना क्या करते हैं, थोड़ा सा पापड़ तिलौड़ी जो भी है उसको छान देते हैं क्योंकि तिलौड़ी कल हमने इसमें रख दिया था। और पापड़ किधर है दिखने का, पापड़ भी इधर पड़ा हुआ है तो कभी ये वाला हम अच्छे से थोड़ा सा रखे हुए हैं। अभी इसका भी लाना है, जेरी के लिए भी मस्त खाना बनने वाला है अभी थोड़ी देर में। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ब्लॉग, मम्मी भी आ गई, मम्मी जैसे फ्रेश रहती हैं फिर उनको भी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा घर में क्योंकि इस तरह नहीं खाली खाली। और पता है क्या, जब बारिश होती है ना तो मेरे को बारिश में बहुत ज़्यादा लग रहता है तो अच्छा लगता है ऐसे अकेले। कल ठंडी भी लग रहा था, आज इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था और इतना ज़्यादा बादल गड़गड़ा रहा था, लग रहा था कि बाप रे एकदम जैसे लग रहा था मेरे रूम में ही गिर जाएगा ऐसे लग रहा था, इतना ज़्यादा हम डर जा रहे थे, मतलब इतने गहरे नींद में थे ना। और बार बार जब भी हो जाता है ऐसा तो मेरा नींद खुल जा रहा था, तो अभी ये भी हो गया होगा ना। हे गाइस, तो अभी हम जल्दी जल्दी से पापड़ छानते हैं और फ़ोन को ना मतलब आईपैड से व्लॉग बना रहे हैं तो थोड़ा इसको सामने रख दिए हैं, बहुत बड़ा सा लग रहा था जैसे इतना बड़ा सा ऐसे दिख रहा है। और ये देखिए पापड़ मैं सासू माँ के आने की खुशी में एकदम मस्त। वैसे तो हम खाना बनाते ही हैं अच्छा, बट देखते हैं मम्मी को कैसा लगता है। सबसे पहले पापड़ को ना ऐसे मोड़ लेते हैं और इसके बाद से ना इसको ऐसे कर लेते हैं। मम्मी बोली तुम अभी तक खाई नहीं है, तुम खाओ, तुम्हारा इसीलिए शरीर पतला हो रहा है। अब मेरे को क्या है ना, भूख ही नहीं लगता है सुबह सुबह, तो हम सोचे कि मम्मी आएंगी तो मम्मी के साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अकेले तो हमेशा ऐसे चलते रहता है लेकिन जब कोई आता है तो सबके साथ में अच्छा लगता है ना, आप लोग समझ सकते हो भावनाओं को। अभी जेरी का भी यहाँ खाना तैयार हो गया और ये वाली जो पापड़ है ना ये हमने मार्केट से ख़रीदा हुआ है तिलौड़ी, जो कि बहुत अच्छा लगता है इसको चावल दाल से खाने में। सबसे पहले अपना बाल ऊपर कर लेते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडा लग रहा है बाहर और किचन में आने के बाद ना गर्मी भी लग रही है। तो आज हमने हेयर वॉश भी कर लिया, बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि आप अपने हेयर केयर कैसे करते हो, अभी तो हमारा फिलहाल हेयर ख़राब हो गया लेकिन अभी हम कैसे अपने हेयर का केयर कर रहे हैं आप सभी को बहुत जल्दी बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और सोच रहे हैं कि बहुत लोग बोल रहे थे कि दीदी आप बताओ बताओ, तो बताना भी ज़रूरी है। हम यहाँ पर चाय बना हुआ है, मम्मी आई तो सोच रहे थे कि मम्मी के लिए जल्दी, क्योंकि हम खुद बहुत लेट तक सोए हुए थे और मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी उस टाइम सहारनपुर में थे, फिर हमने कॉल किया बाबू को तो मम्मी बोली कि उठ के तुम पूजा वगैरह कर लो उसके बाद से हम मले की खाना पीना बना लेते हैं, डायरेक्ट अब लंच का टाइम हो गया है। और सब्जी भी हमने बना दिया, आटा भी, अगर रोटी खाना हो तो आटा भी सान लेंगे
और रोटी फटाफट बन जाएगा, तभी कैमरा सामने रख के वीडियो बना रहे सेल्फ ब्लॉगिंग। और ये भी हमारे साथ आपको लग रहा था हम किस से बात कर रहे हैं, यहाँ पे सोच रहे थे कैमरा अच्छे से लगा देते हैं और फिर से वीडियो बनाते रहे हैं, थोड़ा काम करते करते इस तरह क्या होता है ना, टाइम पास हो जाता है, अपने से बात भी हो जाता है। ये ऐसा चीज़ है ना कि खुद से बात करना, जैसे लगता है ना अगर हम लोग कैमरा से शूट भी करते ना तो लगता है जैसे कि हम लोग आपके सामने ऐसे सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों से अपनी बातें को शेयर कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो अभी तो फिलहाल आप लोग अगर देखेंगे ना, अभी जैसे वो देखें तो हम अकेले ऐसे कैमरे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमको लगता है ना कि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। भाई पहले तेल गर्म हो गया और इसको जल्दी फटाफट पैर छानते हैं, थोड़ा सा चना भी भिंगो के रखे हुए थे कि उनको लगा था कि सुबह 9:30 बजे तक मम्मी आएंगी तो हो जाएगा, मतलब वो बना के देंगे, बट काफ़ी लेट हो रहा है तो इसीलिए मम्मी भी नहा रही थी। अभी जस्ट मेरे को कपड़े वगैरह धोने, आज इतना बारिश हो गया ना, कपड़े उतार के ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी उसको फोल्ड करेंगे थोड़ी देर में और फिर आज मम्मी के सामने थोड़ा सा ऐसे रोड पर टहलने जाएंगे, क्योंकि अच्छा लगेगा मेरा थोड़ा सा। कॉलेज दिन भर जाते रहते हैं, मतलब कॉलेज में ही आधा से ज़्यादा टाइम तो कॉलेज में निकल जाता है मेरा, मतलब पूछ रहे थे कि आज कॉलेज नहीं गई हो मम्मी के साथ, स्पेंड करो टाइम, अच्छा लग रहा है। सॉरी गाइस हम बोल नहीं पा रहे हैं, बट ये देखो तो पापड़ कितना मस्त दिख रहा है, कितने लोगों को पसंद है आप लोग जरूर बताना। और आप लोग बोलते हो ना कि तुम इस ब्लॉग में ना सिर्फ बातें करती रहती हो, तो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लगता है ना कि बहुत सारे लोग को अच्छा भी लगता है ऐसे सुनना, नहीं तो मुझे भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं आप लोग को अच्छा नहीं लगता तो हम ऐसे ही शूट करते। अभी मम्मी का वेलकम जो हमने किया हुआ है कुछ खास तो नहीं, क्योंकि हम उस टाइम किचन में थे और जल्दी जल्दी मुझे पता ही नहीं चला, मम्मी नीचे थी जब देरी भोंकने लगा तब हम जल्दी सीख गए और फिर पूजा रूम से तिलक लिए और फिर मम्मी को लगाए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी उस चीज़ को देखिए और इन्जॉय कीजिए। अभी पापड़ हम छान के रख देते हैं क्योंकि अब जस्ट लंच का टाइम ज़्यादा हो गया, 2 बजने वाला है, फिर मम्मी बहुत सारी चीज़ ले के गए जो कि आप सभी को दिखाएंगे। बस किसको देख के भौंक रहा है, खाना बन गया ना, खा लेता हूँ मैं, तो बैठ के तुम तो रहने देते हैं आप इस ब्लॉग को यहीं पर, फाइनली पापड़ वगैरह हम छान दिए और आप लोग अब इससे ज़्यादा बोर नहीं करना चाहते हैं, जितना बोलना था बोल दिए, मिलते हैं नीचे ब्लॉग में। वो तो टीवी का पूछ रही थी कैसे वो होता है, तो उनको नहीं पता था कौन सा टी वी जाके रूम में है, ऑन हो जाता है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट खूब सारा शेयर कीजिएगा। अभी इनको पापड़ खिलाते हैं झापड़ के साथ नहीं।